वर्ष 2014 को लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पूरे देश में संदेश फैलाने के नजरिए से नरेंद्र मोदी बड़े ही उत्साह के साथ देवभूमि दभाड़ी यानी ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे। अरवली जिला यवतमाल में किसानों के हित को लेकर चाय पर चर्चा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। 1500 से अधिक स्थानों में किसान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वे जुड़े हुए थे और कार्यक्रम का देश भर में सीधा प्रसारण करने की भी व्यवस्था की गई। इस कार्यक्रम में देश भर से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया मौजूद था। इस चाय पर चर्चा के लिए देश के कई राज्यों विशेषकर आत्महत्या संकटग्रस्त प्रभावित 33 जिलों से किसानों विधवाओं और आत्महत्या पीड़ितों के परिवारों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। चाय पर चर्चा में मोदी तत्कालीन यूपी आघाड़ी सरकार की आलोचना करके खुद को किसानों का मसीहा और कावड़ी के रूप में पेश करने में बेहद सफल रहे। बावजूद इसके किसानों की समस्याएं जस की तस बनी हुई है। जैसे मुद्दों पर एडवोकेट शिवाजी राव मोघे अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस इनकी ओर से विचार व्यक्त किए गए। नहीं, हमारे यहाँ माननीय पंतप्रधान मोदी जी 28 फरवरी को आए थे। उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने भाषण किया 40 मिनट का। उन्होंने ये कहा था कि मैं यवतमाल जिले में 2014 में आया था और चाय पे चर्चा पर के लिए आया था। लेकिन चाय पे चर्चा पर वो उन्होंने 18 आश्वासन दिए थे, उसमें से एक भी आश्वासन पूरा किया नहीं। और वो आए थे किसानों का दुख दर्द सुनने के लिए। उनकी चाय पे चर्चा का विषय था किसानों का दुख दर्द, उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोले। लेकिन 2014 10 साल पहले उन्होंने 18 प्रॉमिस किए थे, उसमें से एक भी प्रॉमिस पूरा किया नहीं। उन्होंने बोले थे कि जहाँ जहाँ कॉटन है वहाँ हम कपड़े का मिल लगा देंगे, रेडीमेड का कपड़े का करेंगे, यहाँ से फॉरेन भेज देंगे कि किसानों को ज़्यादा पूरे विदर्भ में क्या मैं बोलता रे स्टेट में एक भी कपड़ा मिल लगी नहीं। और उन्होंने ये भी कहा था कि डबल भाव देंगे, कुछ भाव नहीं दिया। वो बोले कि आत्महत्या कम हो जाएंगी, नहीं तो जो आत्महत्या करेंगे उनके लिए हम ज़्यादा उनकी उनकी फैमिली के लिए उसको सहूलतें देंगे। लेकिन हमारे यहाँ जब से पंतप्रधान चुन के आए 2014 से 29 फरवरी 2024 तक 1295 एक जिले में आत्महत्या हुई है। और दूसरा ऐसा है कि इस फरवरी महीने में 31 आत्महत्या हुई है। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि जो आत्महत्या उसके फैमिली कुछ भी नहीं किया फैमिली के लिए, और ना आत्महत्या होना चाहिए। पुराने गवर्नमेंट ने तो कई तरीके अनवाए, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। जो बोलते हैं यानी कहने का मतलब है झूठ बोलने में नंबर एक है झूठ बोलने वाला कोई देश में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, इसके आगे भी नहीं होगा, इतना झूठ बोलते हैं।